गाजीपुर के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में ब्लैकमेल मामले में पुलिस ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है। छात्राओं की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किए जाने का खुलासा हुआ। आरोप है कि मोहम्मद आमिर मंतशाह कासमी के भेजे गए अश्लील वीडियो और साथ ही फोटो से मेडिकल कॉलेज की छात्राओं को ब्लैकमेल करता था और मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी छात्रों और साथी छात्रों को 6 महीनों के लिए निलंबित भी किया गया। मथुरा में सर्विलांस और राया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बैंक कर्मी से लूट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पकड़े गए तीनों बदमाश अजीत मोहित और साथी चिंटू हाथरस के रहने वाले हैं। ये बदमाश पहले भी लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। 22 जुलाई को लुटेरे ने प्राइवेट बैंक कर्मी से लूट की थी। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर खैरगढ़ थाना क्षेत्र में एक बैंड के गोदाम भीषण आग लग गई और आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग 30 लाख का नुकसान आग के चलते हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और प्रयागराज से खबर है, जहां गंगा नहर के नवाबगंज इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए और घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि 7 अगस्त को थरवाई इलाके में हुई हत्या और साथ ही लूट की वारदात को गिरफ्तार बदमाश शामिल थे इसमें, और पकड़े गए चारों बदमाश शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और लूट की ज्वेलरी और वारदात में इस्तेमाल असले भी बरामद की गई हैं। नोएडा में पुलिस ने कल हुई ट्रक ड्राइवर की हत्या का खुलासा कर दिया है। रबुपुरा पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी भी ड्राइवर है। यमुना एक्सप्रेसवे पर कल ट्रक के अंदर ड्राइवर का शव मिला था। दोनों के बीच में झारखंड में मामूली बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद में आरोपी ने मौका देखकर साथी ड्राइवर को बंधक बनाया और धारदार हथियार से हत्या कर दी। मथुरा में सर्विलांस और राया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बैंक कर्मी से लूट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों बदमाश अजीत मोहित और साथी चिंटू हाथरस के रहने वाले हैं। ये बदमाश पहले भी लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे। देशभर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अब दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुई है। वहीं मेड इन इंडिया ELH ध्रुव हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और ये तस्वीरें आपको रिहर्सल के दौरान की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान में पुष्प वर्षा के लिए 2 मेड इन इंडिया ELH ध्रुव हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपना 10वां भाषण देंगे। अब खबर गोरखपुर से है। हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया। इस दौरान सीएम योगी ने सेल्फी भी ली और गोरखपुर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत गोरखपुर से की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम ने झंडा फहराया, इसके अलावा सेल्फी भी ली है और साथ ही गोरखपुर की जनता में खासा उत्साह हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देखा जा रहा है। तो यूपी में आगाज सीएम ने कर दिया है। अब जो तमाम लोग हैं वो भी तिरंगे के साथ में सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जब तिरंगे को फहराया गया, उसके बाद की तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगे के साथ में सेल्फी ले रहे हैं।
लखनऊ में भी स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर है। यूपी विधानसभा के सामने फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस मंडलायुक्त का डॉक्टर रोशन जैकब और साथ ही डीएम सूर्यपाल गंगवार भी इस दौरान में मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। पंद्रह अगस्त के मद्देनजर पूरे देश में हाई अलर्ट है। आगरा में भी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद है और इसी कड़ी में आगरा कैंट के ग्वालियर पॉइंट पर भी इस संदिग्ध शख्स को भी पुलिस ने पूछताछ के बाद में जीआरपी आगरा के हवाले कर दिया, जिससे पूछताछ जारी है। किसी प्रकार से जितने भी जो यात्री है उनको समस्या ना आए,